दिवाली का त्यौहार नज़दीक है, ऐसे में छोटे व्यापारियों की व्यापार को लेकर उम्मीदें बढ़ गई हैं। जबलपुर में उन उम्मीदों को चकनाचूर करने नगर निगम का बुलडोजर पहुंचा, लेकिन कुछ जनप्रतिनिधियों के दखल के बाद उन्हें राहत मिल गई। दरअसल नगर निगम का अतिक्रमण दस्ता कटंगा से सदर के बीच सड़क किनारे दुकान लगाने वालों को हटाने पहुंचा था। इस बीच स्थानीय नेताओं ने मामले में दखल दिया, तब जाकर नतीजा निकला कि दुकानदार सड़क से दूर जाकर दुकान फिलहाल लगा ले। चूँकि दिवाली भी नज़दीक है और उनके व्यापार में हानि न हो, फिलहाल के लिए ये मामला शांत जरूर हो गया है, लेकिन अब देखना यह है कि दिवाली के त्यौहार के बाद क्या होता है। हालांकि मीडिया ने निगम अधिकारियों से इस मामले में बात करनी चाही, पर उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। MPCG 24 न्यूज़ एक्सप्रेस के लिए जबलपुर से मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट। ये कटंगा से जो सदर रोड जाती है, मैं समझता हूँ दिवाली का त्यौहार चल रहा है और यहाँ फूल पौधों की दुकान है और सजावट के सामानों की दुकान है और दिवाली में जो जिसका सब उपयोग करते हैं। तो अभी नगर निगम कमिश्नर साहब का ये आदेश आया है कि अतिक्रमण की पूरी टीम आई हुई है, उन्होंने टीम में बोला है कि आप लोग सब पीछे कर लो। तो व्यापारी लोग समझाइश को मानते हुए सब अपनी दुकानों को पीछे कर रहे हैं और हम भी नगर निगम कमिश्नर से बात कर रहे हैं, क्योंकि त्यौहार का समय है और इनके रोज़गार का सामान खरीद चुके हैं ये, तो इनका रोज़गार भी चलता रहे और नगर निगम के ट्रैफिक को भी बाधा ना आए और रोड भी सुचारू रूप से चलती रहे। तो नगर निगम के सभी कर्मचारियों ने स्वीकार किया कि हाँ भाई, इनको जितना हो सके पीछे कर लो अभी आप, और दिवाली तक के त्यौहार के लिए इनको मौका दे और उसके बाद जैसे व्यवस्था होगी व्यवस्था कराएं।